हाय फ्रेंड्स, मैं नमासी से आपका कागज बार में स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे सज्जितात्मक चित्र, क्रिएटिव ड्राइंग, उसमें कैसे हम टेक्सचर दे पाते हैं, कैसे उसमें कलर शेडिंग है कैसे कर पाते हैं, वह सीखना है आज। उससे पहले हमारा जो कागज पार्ट है उसे शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं कागज पार्ट में आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा उसमें शुरू करते हैं, उसमें कैसे करना है क्या करना है वो समझा देता हूँ। जो भी लाइंस लेंगे हम ओवरलैपिंग लेंगे, ओवरलैपिंग में जिस तरह से काम करते हैं वैसे ही इसमें करना है। उसमें जो कोई भी मेन आकार है आपको कोई भी आकार ले सकते हो, या नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, उसको आप रहने दो। तो इस तरह से आप ओवरलैपिंग करके अच्छे से क्रिएटिव ड्राइंग बना सकते हैं, सृजनात्मक चित्र। तो ये टॉपिक सीखने के लिए ध्यान से देखें हमारा जो वीडियो है वो। उसमें पहले हम लाइन है वो लेंगे, लाइन आपको इस तरह से कुछ लेनी है। इस तरह से ले ली हमने। बाद में हमारी जो दूसरी लाइन है तो उसे सिंपली लेंगे, जैसे हम राउंड में लेते हैं वैसे ही। बाद में जो इसके इफेक्ट है कैसे देनी है वो आपको समझाऊंगा। इसी तरह से यहाँ पे भी छोटी सी लाइन लेंगे हम, उसको भी इसी तरह से ओवरलैपिंग में। तो ये लाइन मैं ली है। बाद में कोई आकार जो है या कोई इस तरह से एक आकार ले लेंगे, इस तरह से दो लाइन लेंगे हम। बाद में यहाँ से उसको दूसरी एक सिंगल लाइन लेके ओवरलैपिंग में। बाद में बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं वो रखेंगे। ये ध्यान में रखना है हमें, पत्तियों की साइज जो है वो सेम रखे, या इस तरह से बड़ी छोटी भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने ये ले लिया है। बाद में यहाँ पे कोई भी लाइन है या कोई वर्क है आप ले सकते हो। मानो हमने इस तरह से आकार जो है वो क्रिएट कर लिए यहाँ पे, इस तरह से कुछ बड़े छोटे ले सकते हो, उसको भी ओवरलैपिंग में रखना है। ओवरलैपिंग में जो भी आकार लोगे आप उसे इसी तरह से लेना है। कोई भी आकार ले सकते हो आप, अपना मन चाहा आकार जो है वो भी डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए, ये हमारा छोटा सा ड्राइंग हो गया है। यहाँ पे भी आप कुछ लाइन इस तरह से डेवलप कर सकते हो। इस तरह से हमने ये ड्राइंग किया। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे फेविकॉल से टेक्सचर देने हैं। टेक्सचर जो है सभी अलग अलग तरह के आप टेक्सचर ले सकते हो यहाँ पे, कोई उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कोई भी टेक्सचर जो है आपको मनपसंद हो वो ले सकते हो। तो उसमें ये ड्राइंग हमने किया है, सभी जो आकार जो है हमारे हमने ओवरलैपिंग में लिए है वैसे ही। आकार में भी हमें जो ओवरलैपिंग लाइन है या हमारी जो पत्तियां हैं उसमें ओवरलैपिंग में सब किया है, तो कलर्स भी इसी तरह से रखने होंगे। मानो हमने ये पत्ती का आकार लिया है, उसमें पर पत्ती में हम ग्रीन कलर लेंगे, तो ग्रीन कलर के शेड जो होते हैं उसमें ओवरलैपिंग में जहाँ पे जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग हुआ है
वहाँ पे हम ग्रीन कलर के शेड ले लेंगे, ताकि क्या होगा उसे ये वो भाग जो है अलग हो जाएगा और हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी कलर में। ओके, तो ऐसे ही अलग जो भी आकार है उसमें लेने हैं। टेक्सचर भी कैसे करते हैं वो देखिए, हमारे टूल्स है, टूल का उपयोग करके जहाँ पे बैकग्राउंड है इस तरह से कोई भी टूल का उपयोग करके आप कोई भी लकड़ी या कोई भी हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कैलीग्राफी या इस तरह से के टेक्सचर है डेवलप कर पाते हैं, तो ये इस तरह से टेक्सचर करना है। हमारे पास स्टम्प है, स्टम्प का भी आप यूज़ कर सकते हो टेक्सचर में, जिसे आप ठीक लगे वैसे। इसमें आपको सोचना नहीं है कि इसमें किस कौन सा टेक्सचर करे कौन सा नहीं करे, वो आपको सोचना नहीं है, जैसे आपको पसंद आए वैसे टेक्सचर करते जाए। बाद में टेक्सचर हो जाने के बाद उसको सूखने देना है, ताकि जो भी वर्क है हमारा वो सही से, बाद का जो वर्क है उसका सही से हो पाए उसमें। इसमें क्या होगा, नीचे के जो टेक्सचर जो है हमारा सूखने के बाद दिखेगा कैसे हमने टेक्सचर किया है वो। ये हो गया हमारा जो टेक्सचर है वो, बाद में कहीं पे अलग डिज़ाइन करनी है अलग टेक्सचर करना है तो भी कर सकते हो। मानो हमने कटर से, कटर है हमारे तो कटर का उपयोग करके कुछ इस तरह का टेक्सचर ले लिया है, तो ये भी आप ले सकते हो जहाँ पे लेना है। उससे क्या होगा अलग कुछ हमें सीखने को मिलेगा और अच्छे से आप वर्क उसमें टेक्सचर के साथ
हमारा जो डे ड्राइंग है उसमें कर पाओगे और अच्छे से बेहतर कर पाओगे। ये जो ड्राइंग है उसमें हम कलर शेडिंग के साथ जो टेक्सचर जो है करेंगे उसमें कैसे हो पाता है ध्यान में रखना होगा। आप ये ड्राइंग जो है आप बना रहे हो तो बनाने के बाद आप उसे घर पे फ्रेम करके भी लगा सकते हो। अच्छे से आप फिनिशिंग के साथ करोगे इसको ये वर्क को तो मुझे लगता है तब आप अच्छे से उसे किसी फ्रेम में रख के आप घर में या कोई फ्रेंड सर्कल है फ्रेंड को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो। ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। टेक्सचर है टेक्सचर को सूखने के बाद ही उस पर कलर जो है वो करने हैं नहीं कि आधा सूखा आधा रहने दिया वैसे नहीं रखना है तो ही हमारा जो वर्क है सही से हो पाएगा। बाद में ये टेक्सचर जो है ये भी यहाँ पे भी हम अलग तरह के टेक्सचर जो है वो लेंगे। बाद में मेरा टेक्सचर है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं फेविकोल जो है इस तरह से मैं जो टेक्सचर है इस तरह से लूँगा मैं यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम इस तरह से कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी हमारे ड्राइंग करने में। इसमें भी आपको फिनिशिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बाहर नहीं जाना पड़े ताकि मुझे टेक्सचर है वो सही से डेवलप हो सके। अगर जा भी रहा है तो उसे हम साफ कर सकते हैं सूखने से पहले। देखिए डायरेक्ट मैं जो ग्लास है पानी पीने का उसमें मैंने निकाला है तो ये वर्क इस तरह से ही हो सकता है हमारा। अभी क्या करूँगा मैं थोड़ा दिन सूखने दूंगा बाद में इसके इफेक्ट के साथ आपको दिखाऊंगा कैसा हमने टेक्सचर है कैसे डेवलप हुए हैं और अच्छे से आप भी अच्छी तरह से कर पाओगे इसमें। बाकी का जो हमारे कई कॉल है उसको भी मैं इस तरह से कहीं कहीं लगा देता।
प्रतिक्रिया करते हुए सूखने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा वर्क हमने फेरी टेक्सचर जो है कर दिया है। यहाँ पे जो लगा हुआ है फेविकोल उसको मैं साफ कर दूंगा इस तरह से। इस तरह से हमारा जो टेक्सचर है सही से हो पाया है। बाद में हम उसमें कलर करेंगे, वो भी टेक्सचर किया था अच्छे से हो चुका है, अच्छे से सूख चुका है। ऐसा ही टेक्सचर हमें जो होने के बाद करने के बाद सूखने देना है, बाद में हम उसमें वाटर कलर या पोस्टर कलर कर सकते हैं। तो देखिए आज हम इसमें पोस्टर कलर करेंगे कैसे करते हैं और उसी के जो इफ़ेक्ट है कैसे आती है वो देखनी है आज। तो लगे बने रहे हमारे चैनल पे ताकि यह वीडियो देख के आप भी अच्छे से कुछ क्रिएट कर पाओ और अच्छे से वर्क कर पाओ। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमारे जो कलर्स हैं उसमें हमें पोस्टर कलर में करेंगे वर्क, उसमें जो भी इफ़ेक्ट है वो देंगे आज। तो पहले हमें रेड करते हैं, रेड के बाद जो भी कलर्स हो गए उसके साथ मिक्सिंग करके बनाएंगे। ये पहला जो रेड कलर है वो कर देंगे। जितना भी रेड कलर लेना चाहते हैं उतना ले लें। बाद में उसका ये जो दूसरा कलर है उसके साथ मिक्स करेंगे हम। इसकी जो इफेक्ट है वो देखनी होगी आपको और वैसा ही आप भी कर सकते हो, कर पाओगे, बहुत इजी है। इस तरह से ही पैरा फिनिशिंग के साथ कलर करना है। जितने में हमें रेड कलर चाहिए उतना हमने ले लिया है। बाद में हमारा जो दूसरा जो कलर है ऑरेंज, ऑरेंज नहीं हमारा येलो कलर है, येलो कलर का उसके साथ मिक्स करते हुए लेना है इस तरह से कुछ। तो क्या होगा उसके साथ जो कलर मिक्स होगा वो ऑरेंज कलर बनेगा। इसके साथ जो वाइट कलर लेंगे उसको शेडिंग के लिए वाइट कलर भी इस तरह से ही सिंपली बाजू में करना है। उसके साथ वो अपने आप वो मिक्स कर पहुँचा जाएगा उसके साथ ऑरेंज और हमारे येलो कलर है वो मिक्स होते हुए कुछ इस तरह से हमारा जो इफेक्ट है वो बढ़ के आएगी। बाद में कैसे करना है वो आपको आप ध्यान से देखते रहिए तो है आपको पता चलेगा जिस तरह से मेरे हमारे जो ड्राइंग की इफेक्ट है वो आ रही है। वो देखिए हमारा टेक्सचर भी सही से उभर रहा है यहाँ पे और हमारा जो वर्क है वो भी अच्छे से हो पा रहा है। ये चीज़ आपको करनी होगी। बाद में क्या करना है जहाँ पे हमने क्रॉस किया है, देखिए ये हमने कलर शेडिंग सही से हो गया, वैसे ही हमारा जो दूसरा इफेक्ट है वो भी देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो कलर है
किस तरह से मिक्सिंग हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही बाजू में हमारा जो येलो कलर है वो लेना है। मैं जो ब्रश है उसको साफ करते रहे, मैं जो व्हाइट कलर है जहाँ पे एंड में यहाँ पे मिल चाहिए व्हाइट कलर के इफेक्ट, तो इस तरह से इसको बाजू में रखना है व्हाइट कलर। बाद में सिंपली दो कलर के बीच में से इस तरह से मिक्स करना है। ओके, हमारा जो येलो कलर है और व्हाइट कलर है सही से मिक्स हो पाए। मैं चाहते हैं ये कलर व्हाइट कलर जो हमारा है तो कहे तो इसलिए इस तरह से इफेक्ट आ सकती है हमारे ड्राइंग में। उसके बाद यहाँ पे भी जहाँ भी हमें जरूरत है इस तरह से बाद में हमारा येलो कलर है उसको भी हम तो मिक्सिंग है वो करते रहेंगे। एक चीज और, आपको फिनिशिंग का जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा, तो ही हमारा जो फिनिशिंग के साथ हमारा जो ड्राइंग है अच्छे से हो पाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत कम ब्रश घुमानी है ताकि इसका जो एक इफेक्ट है दूसरे कलर के साथ नहीं हो पाए। बाद में हमारा व्हाइट कलर है उसको भी वैसे ही जैसे हमने ऊपर में कलर किया है वैसे ही करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप करोगे जो भी हमारा जो पोर्शन है, पहले जो हमने जिसमें कलर करना है उसमें पहले ध्यान रखना है, बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। वही हमारा जो ड्राइंग का तो ही हमारा जो फिनिशिंग है या कोई कुछ हम सही से बनाना चाहते हैं वो सही से बना पाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से के इफेक्ट जो है हमारे ड्राइंग में हम ला सकते हैं। इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। तो ये जहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लाइट कलर है तो इसके ऑपोजिट में हमने अंदर से लाइट किया, बाद में डार्क, यहाँ पे डार्क किया, यहाँ पे लाइट किया। इस तरह से हमने इफेक्ट का सही से कर पाए हैं। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो, सिर्फ हमारे जो इसकी पोजीशन है उसको चेंज करने हैं। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे अंदर के बाजू डार्क लेना है। इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी हमने वर्क करना है तो थोड़ा सा ही मैं इसको डार्क कर लूँगा। जितना हमें चाहते हैं उतना ही लेना है। बाद में हम इसके हमारा जो येलो कलर है उसको ले लेंगे बाजू में। यहाँ पे आप वाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उतना नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट है बहुत रेयर होगा वो। इसलिए देखिए इस तरह से इसकी इफेक्ट है हमारे ड्राइंग में आ सकती है। जैसे हमने पे आपको इस तरह की ड्राइंग में हमको आपको मजा आएगा और अच्छे से आप कर पाओगे उसको। इसलिए मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ सृजनात्मक चित्र में कलर शेडिंग में। ये ड्राइंग बहुत, एक तो हमारा जो हाथ है वो मूवमेंट में आ जाएगा और दूसरा कि हमारा जो वर्क है बेहतर हो पाएगा इस तरह। यहाँ पे एक चीज़ ख्याल ध्यान रखें, आप कलर करते हो तो कलर करते समय हमारा जो हाथ है जो कीला कलर है उसमें चल ना पाए, नहीं तो हमारी जो ड्राइंग है उसमें इफेक्ट हो सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए सावधानी से करें। यहाँ पे भी हमें येलो कलर मिक्स करेंगे। ये कलर दो कलर जो है हमारे मिक्स होने जाने के बाद दूसरे कलर को मिक्स करना है तो ये इफेक्ट हमारे सही से हो पाएगी। ये हमारे ब्रश है उसको साफ करते रहे बार बार, ताकि उसमें जो कलर लगा हुआ है जिसमें हम शेडिंग कर रहे हैं तो दूसरे भाग में नहीं जा पाए, इसलिए उसको साफ करते रहना है। तो ये हमारा कलर शेडिंग है सही से हो पाएगा। देखिए इस तरह से हमारा वर्क करना है। जो भी हमें भाग चाहिए उसमें मैं नहीं करना है वो शेडिंग, दूसरे में कर सकते हो आप इस तरह से ही। जहाँ पे छोटा भाग है मानो ये पोर्शन है यहाँ पे, तो उसमें आप सिर्फ इस तरह से रेड कलर करके उसे छोड़ सकते हो, उसमें शेडिंग नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटा भाग है और उसमें शेडिंग करने से हमें जो फिनिशिंग है बिगड़ सकता है। इसलिए आप इस तरह के छोटे भाग है जो फ्लैट कलर करके कर सकते हैं इस तरह से कुछ। जहाँ जहाँ पे भी हमारा जो छोटा भाग होता है इस तरह का पॉइंट होता है उसमें आप कलर नहीं कर सकते तो आप इस तरह से इफेक्ट है सिंपल कलर करके छोड़ सकते हो उसे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
किस तरह से काम करना है तो आपको समझ में आया होगा। वैसे ही जैसे हमने किया है वैसे ही करना है। कुछ भी नया नहीं करना है। देखिए इस तरह से मैं जो बैकग्राउंड है जिसमें मुझे ये कलर करना है जिसे इफेक्ट में से दे सकता हूँ वैसे मैं उतना कर देता हूँ। बाद में मिलेंगे, देख दिखाऊँगा आपको कैसा आधा वर्क हुआ है। बेसिकली जो हमने ये वर्क किया है वैसे ही हमने आगे जाके भी सभी वर्क ड्राइंग में करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जो नया सीखना होगा तब आपको दिखाऊँगा, तभी इसी वीडियो में दिखाएंगे हम। देखते रहे ध्यान से। देखिए हमारा आधा वर्क जो है हो चुका है। उसमें हमने कैसे किया है आप लोगों को पता ही है, हमने दो कलर को तीन कलर को शेड मिक्स किया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो ये पोर्शन है मैंने डार्क ब्लू लेने का सोचा है। तो इस तरह से आप भी वर्क अच्छे से कर पाओगे। तो अलग अलग शेडिंग जो है कैसे करना है, वो कहाँ पे इफेक्ट देनी है, कहाँ पे हाईलाइट देनी है, कहाँ पे डार्क कलर लेना है, आपको जैसे जैसे करते जाओगे कलर्स वैसे वैसे आपको समझ में आएगा हमें कौन सा कलर कहाँ पे लेना चाहिए, जैसे हमारा जो कलर्स है अलग हो जाए और हमारा जो ड्राइंग है सही से हो पाए। इसलिए तो मैं कलर शेडिंग में इतना ही है, मैंने इतना आधा वर्क जो है कर चुका हूँ और आधा वर्क है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा कैसे वर्क में कर रहा हूँ वो, और अच्छे से अभी कर पाओगे इसी तरह से करते। उससे पहले मैं थोड़ा सा टचअप कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। टचअप में आपको ये करना है, जिस तरह से यहाँ पे हमें जो हाथ लग गया था वैसे हाथ लग जाता है कलर्स का, तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं वो देखना है। तो हम उसको ब्लेड लेना है या आपके पास कटर हो तो भी चलेगी। इस तरह से यहाँ पे हल्के हाथ से स्प्रेड करना है, इस तरह से स्क्रैच करना है, जिस तरह से हम कूपन स्क्रैच करते हैं वैसे, और फूंक मारते जाना है ताकि हमारी जो डस्ट है उसकी निकल रही है वो पंची में नहीं लगे और अच्छे से हम उसको क्लीन कर सके, ये ध्यान में रखना होगा। ओके हमारा जो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप यहाँ पे कट लगाए इस डी लाइन में, और इस तरह से ही इसको भी स्क्रैच कीजिए। देखिए वो निकल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम हमारा जो फिनिशिंग है थोड़ा सा बिगड़ गया है तो वो हम सही कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए तो पानी की बूंद की डॉट पड़ी है तो वो भी वो सही हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है उसको स्क्रैच करते जाना है जब तक कि वो निकल ना जाए। इस तरह से बाद में हमारे जो पास रबर है रबर से उसको निकाल देना है, इस तरह से रबरिंग करना है फिर इसका जो इसका जो पोर्शन है वो भी निकल जाएगा होगा। तो यही करना है। देखिए हमारा ड्राइंग जो है क्लीन हो गया है। यहाँ पे फिनिशिंग जो था थोड़ा सा बिगड़ गया था वो सही हो गया है। तो यहाँ पे हमने ये जो कलर यहाँ पे कलर्स लेने हैं और यहाँ पे कलर्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं वो सोचना होगा हमें। तो ये कलर्स जो है इस यहाँ पे जो कलर लेंगे वो यहाँ पे इतना जो पोर्शन है हमारा जल पानी की तरह बूंद की तरह जो पानी जो स्प्रेड होता है तो ऐसे आकार बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वो हम लेंगे और यहाँ पे ये जो कलर है हमने लिया है वो यहाँ दोनों पे लेंगे हम। तो इस तरह से हम जो ऑल्टरनेट कर देंगे ताकि हमारा जो फिनिशिंग हो और हमारा ड्राइंग है अच्छे से आ सके, अच्छे से आप देख सके। इसलिए तो पहले हमारा जो कलर्स है मैंने एक तो पर्शियन ब्लू लिया है, एक तो पिकॉक ब्लू लिया है, और हमारा जो वाइट कलर है उसको लाइट करने के लिए उसको शेड देने के लिए हाईलाइट देने के लिए वो लिया है। तो ये कलर हमें लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से आप भी कलर कर सकते हैं।
और ध्यान से हमारा जो वीडियो है ध्यान से देखते रहे ताकि आपको जो भी जो भी सीखना है अच्छे से आप सीख पाओ। इसलिए तो इस तरह से पहले हमारे से यही करना है, देखिए बॉर्डर करनी है थोड़ी सी, थोड़ा ही कलर लेना है क्योंकि हमें वो कलर के साथ दूसरा कलर मिक्स करना है, इसलिए बाद में हमारा जो पिकअप ब्लू है हमने निकाला है यहाँ पे तो वो कलर लेंगे उसको उसके साथ मिक्स करने के। हमारी जो इफेक्ट बनेगी बहुत ही सही से होगी, यहाँ पे हमने जो इस तरह से कलर किया है वहाँ पे भी इस तरह से हो गया। बाद में हमें क्या करना है ब्रश को साफ करके हमारा जो वाइट कलर है वो लेना है, उसको जिस तरह से हमने यहाँ पे वो शेडिंग किया है कलर शेडिंग उसको वैसे ही कलर शेडिंग करना है यहाँ पे वाइट के साथ मिक्स करते हुए। यहाँ पे हमने ये जो पिकअप ब्लू है ब्लू कलर है क्यों लिया है तो इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारा जो ड्राइंग है उसमें जो पानी के बूंद की जो पहला इफेक्ट है वो हमें बाहर निकालनी है, बाहर जो पानी हमें कहीं पे गिरा हुआ है या कहीं पे पानी स्प्रेड हुआ है तो इस तरह की इफेक्ट आती है, तो ये इफेक्ट अलग हो इसलिए मैंने ये कलर यहाँ पर लिया है और सही से बाहर आ जाए वो। उससे क्या होगा तो हमारा जो नेचुरल कलर है ब्लू कलर वो धीरे से नीचे दब जाएगा इस तरह से, देखिए हमारा जो रेड कलर है थोड़ा सा नीचे दब जाएगा क्योंकि ये यही पोर्शन है जो है वो बाहर आ रहा है वो इस तरह से, देखिए ये इफेक्ट हमें चाहिए और नहीं मिल रहा पा रही तो उसे आप इस तरह से ब्रश को साफ करके इस तरह से मिल जा सकते हैं, बहुत बार नहीं एक ही बार उसको स्प्रेड करना इस तरह से देखिए हल्के हाथ से क्योंकि हमारा जो पेज है वो भी बिगड़ सकता है उसमें आप बार बार करोगे तो एक बार इस तरह से देखिए यदि वह हमारा शेडिंग। इसी तरह से हम बाकी सब में यहाँ पे जो शेडिंग है वो करेंगे, देखते रहे। जब भी हम कलर कर रहे हैं या कुछ भी आकार ड्रॉ कर रहे हैं या हम वाटर कलर पे इफेक्ट दे रहे हैं तो उसमें सभी में हमारा जो इफेक्ट है तभी सही लगेगी जब हमारा जो फिनिशिंग है वो सही से हो पाएगा, नहीं तो ये जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए सभी फ्रेंड्स हमारा जो फिनिशिंग है फिनिशिंग में ध्यान दें और हमारा जो कलर शेडिंग है वो बाहर ना जाए वो ध्यान में रखें तो ही हमारा जो कलर है वो अच्छे से हो पाएगा और अच्छे से आप कोई भी ड्राइंग में कलर कर पाओगे या पेंसिल शेडिंग है या कलर शेडिंग है वो सही से कर पाओगे। देखिए यहाँ पे हमने ब्लू कलर के साथ पर्सन ब्लू के साथ पिकॉक ब्लू को मिक्स किया हुआ है, वैसे ही आप भी कोई अलग कलर लेके या कोई यही कलर लेके भी आप काम कर सकते हो इस तरह का ड्राइंग में। साथ में हमारा जो फेविकॉल है फेविकॉल का जो इफेक्ट है बहुत ही सही से उभर के आ रहा है, वही चीज़ आपको सीखनी है वही इफेक्ट जो है आप अपने ड्राइंग में ला सकते हो इस तरह से। इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा कि हमें सिर्फ जो इफेक्ट है उसकी ओर से टेक्सचर डेवलप करने हैं, टेक्सचर डेवलप हो जाते हैं बाद में आप इस तरह से
इस तरह का कलर शेडिंग कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आया होगा कैसे कर रहा हूँ। देखते ध्यान से देखते रहिए पूरा वीडियो, तो ही आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा ही वर्क दिखाता हूँ क्योंकि हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन पार्ट है हमने कैसे करना है, कैसे इसको इफेक्ट देनी है वो मैंने समझा दिया आगे। वैसे ही यहाँ पे ये पोर्शन के देखिए ये इफेक्ट जो है सही से उभर के आ रही है यहाँ पे। तो आप भी ऐसे ही इफेक्ट हम आपकी ड्राइंग में ला सकते हो। बाद में जहाँ पे हमें डार्क चाहिए, देखिए यहाँ पे हमने छोटा पोर्शन है वो वहाँ भी हम कलर शेडिंग जो है कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अपन बहुत छोटा जो पोर्शन होता है उसमें कलर शेडिंग नहीं कर पा रहे हो तो उसे फ्लैट कलर के साथ भर दीजिए। नहीं तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक चीज़ कर सकते हो, दो कलर की शेडिंग जो है वही ले सकते हो। मैंने जैसे वाइट कलर लिया है उसके साथ वाइट कलर नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो दो कलर जो है हमारे पास पीकॉक ब्लू है और पर्शियन ब्लू है, वो मिक्स कर दोगे तो भी हमारे जो ड्राइंग की इफेक्ट है वो सही से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो कलर है मैं एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहा हूँ, तो ये इफेक्ट जो है देखिए सही से आ गई यहाँ पे। उसके सामने यहाँ से भी ये चीज़ आप ले सकते हो। ये हो गई हमारी इफेक्ट, यहाँ पे भी ये पोर्शन है यहाँ पे। फिनिशिंग का ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटा भाग है, छोटी में हमारा जो हाथ है वो हिल उड़ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि छोटे भाग में जो कलर शेडिंग है कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा छोटे भाग में, क्योंकि वो बहुत छोटा है और हमारा जो फिनिशिंग है वो भी ज़रूरी है। इसलिए वहाँ पे खास ध्यान रखें जिस पॉइंट में मैं कह रहा हूँ आपको, जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए वहाँ पे ध्यान दीजिए, बाकी का काम जो है धीरे धीरे करते जाइए तो हमारा जो ड्राइंग है बहुत बेहतर हो जाएगा और आप भी अच्छे से काम कर सकोगे उसमें। देखिए हमारे यहाँ पे कलर हो चुका है। इसी तरह से जो भी पोर्शन है यहाँ पे हमें ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन में हम ढक लेंगे। बाद में हमारा जो पिकअप ब्लू है बाजू में एयर कर देंगे। यहाँ तक बाद में हमारा वाइट कलर है, इसको भी इस तरह से बाजू में पिकअप ब्लू के बाजू में रखना है। यहाँ पे खास ध्यान रखें, देखिए वहाँ पे रस जो यहाँ पे जा रहा है वहाँ पे खास ध्यान रखना होगा। इस तरह के लाइन में यहाँ पे बाहर जाने की जो संभावना बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे बॉर्डर नहीं कर रहे, डायरेक्ट ही वॉक कर रहे हैं।
यहाँ पे दोनों कलर एक से दूसरे के साथ मिक्स करते हुए इस तरह से घुमाते रहिए। देखिए ब्रश हमारे जो जैसे घूम रही है वैसे ही अभी आपकी ब्रश है वो घूमनी चाहिए यहाँ पे भी। ड्राइंग की इफेक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पे, तो यही चीज़ आपको आपके ड्राइंग में लानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डार्क कर लिया है, तो यहाँ पे जहाँ पे लाइट कलर है हाईलाइट है वहाँ पे हम डार्क कलर ले सकते हैं क्योंकि उसके ऑपोजिट हो जाएगा वो, तो ही उसका जो फिनिशिंग है सही से आ पाएगा। यहाँ पे भी पिकॉक ब्लू के साथ मिक्स कर देंगे। ये चीज़ आपको सीखनी है, अच्छे से कर पाओगे ये। इतना ही है फ्रेंड्स, यहीं पे भी शेडिंग जो है हमारी जो पत्ती में शेडिंग जो है वही रहेगा, लेकिन हमारे जो कलर्स है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन है और येलो है और वाइट है, ये कलर जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। ओके फ्रेंड्स, ये ड्राइंग हम पूरा ख़त्म होने के बाद ही अभी दिखाऊंगा हमारे जो कलर की इफ़ेक्ट है कैसे हमने कलर किया वो आपने देखा है वैसे ही आप भी करोगे। फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है पूरा हो चुका है, हमने ये वीडियो में आपको दिखाया कैसे हमने कलर शेडिंग किया है, कैसे इफेक्ट दी है हमने, कैसे टेक्सचर किए है वो आपको समझ में आए होंगे, वैसे ही आप भी कर सकते हो और अच्छे से कर पाओगे। तो इसका जो फिनिशिंग है थोड़ा सा देख लीजिए, हमारी फिनिशिंग है, मैंने टचअप के बारे में भी बताया आपको कैसे उसको हमारा जो ड्राॅइंग है बाहर कलर चला जाता है तो कैसे उसको टचअप दे सकते हैं वो भी आपको पसंद आया, समझ में आया होगा कैसे करना है वो। देखिए जो इफेक्ट है बहुत ही नेचुरली लग रही है वो हमारे पत्तियों की और हमारा जो ड्राइंग है क्रिएटिव ड्राइंग आप भी अच्छे से कर पाओगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो इफेक्ट ली थी और उसको अल्टरनेट किया हुआ है, मैंने ये इफेक्ट यहाँ पे ली है और इसकी जो इफेक्ट है इसकी वाली ये वाली जो हमें यहाँ पे इफेक्ट दी है मैंने ये भी वैसे ही आप भी कर सकते हो कुछ नया। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज आपने देखा कैसे हमने जो सज्जनात्मक चित्र है क्रिएटिव ड्राइंग कर पाए हैं, उसमें जो टेक्सचर है कैसे ऐड कर पाए हैं, कैसे उसमें फिनिशिंग है कैसे हम रख पाए हैं और कैसे हम जो उसमें कलर शेडिंग है कैसे कर पाए हैं वो आज आपने देखा ध्यान से। वैसे ही ठीक वैसे आप भी कलर शेडिंग और टेक्सचर डिज़ाइन और उसका जो फिनिशिंग है वैसे ही आप भी कर पाओगे, इसलिए हमारे कायाकल्प आर्ट है उसकी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। और हमारा जो कायाकल्प आर्ट है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं कायाकल्प आर्ट में आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।